स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में सभी को गुड इवनिंग हमारी तरफ से जैसा कि आप लोगों को विदित है कि यह आन अकेडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी का चैनल है इसके माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन फटाफट सीरीज के रूप में कर रहे हैं यह है अध्ययन यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 2021 की जून में आपकी परीक्षा सुनिश्चित हुई है उसके लिए बेहद उपयोगी सीरीज है एक तरीके से इसके अलावा आल स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो उसके लिए भी यह पाठ्यक्रम उतना ही उपयोगी होगा जितना यूपीएससी के लिए उपयोगी है तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ये छठवीं क्लास है और आज के इतिहास में हम लोग खिलजी बंश के इतिहास का अध्ययन करेंगे हम लोग अनएकेडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जानते हैं उसके बाद में हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और करते हैं। स्वागत है आप सभी का अभिनंदन है आप सभी का तो अनकेडमी में सबक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को चार आधारभूत सुविधाएं मिलती है ये चार आधारभूत सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पे चार रूपों में मिलेंगी इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और कोर्सेज मिलता है लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा मिलती है और यहाँ पे वीडियो का अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलता है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे सब्सक्रिप्स लेने पे जो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं मार्गदर्शक हैं उनका आप लोगों को निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है मिलता रहेगा मैं भी इसी में शामिल हूं, तो हमारा भी आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा इसके अलावा आन अकेडमी ने यूपीएससी सीएससी के परिपेक्ष में 20 बुक आप लोगों को एक तरीके से देने का प्रयास किया है अपने सब्सक्रिप्स द्वारा तो इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा आन एकेडमी के इस महीने में, में मेगा सब्सक्रिप्स का ऑफर है आप लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं इसमें आप लोग हमारे रेफरल कोड के साथ में एस ए एन जे डबल ई बी के साथ में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लीजिए आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे ये यह सब्सक्रिप्शन आपको तीन चार महीने का सब्सक्रिप्शन और ज्यादा आपको मिलेगा तो ये आपका फायदा होगा इसके अलावा अन का सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में दो कोर्स है यह कोर्स प्लस कोर्स में के रूप में है आइकॉनिक कोर्स के रूप में है आइए इसकी विशेषता या इसकी खास बातों को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो प्लस कोर्स है वो आपको छः महीने बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में है यहाँ पे इसकी फीस मेंशन है यह कोर्स हमारे रेफरल कोड एस एन जे डबल ई वी -E -E के साथ में आपको इसमें फी में दस प्रतिशत की छूट के रूप में उपलब्ध है इसी प्रकार से यहाँ पे आईकोनिक कोर्स है यह कोर्स आपको 12, 24 और 36 महीने के रूप में उपलब्ध है यह भी हमारे रेफरल कोड एस एन जे डबल ई वी के साथ में इसमें भी फीस में आपको 10 प्रतिशत छूट मिलेगी इसके साथ में यह उपलब्ध है इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो प्लस कोर्स और आईकोनिक कोर्स में कई सुविधाएं हैं जो प्लस कोर्स है उसमें आपको लाइव क्लासेस की सुविधा बीकली टेस्ट एक्स्योर शेड्यूल और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इसके अलावा ये सुविधा आइकोनिक में मिलती है आइकोनिक में अन्य सुविधाओं में पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्टडी मटेरियल भी मिलता है और एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी मिलता है हमारे रेफरल कोड के माध्यम से आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो हमसे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही इसके अलावा यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपको पढ़ने को मिलेगा किसी भी एक्सपर्ट से आप लोग पढ़ सकते हैं अपने प्लस कोर्स में अपने आइकॉनिक कोर्स में इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं अन का यूपीसीएससी ऑप्शनल पेपर का भी यहाँ पे सबक्रिप्शन है यह सबक्रिप्शन आपको यहाँ पे एक महीने छ महीने बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में है जल्दी से ही प्लस कोर्स पे आप लोगों के बीच में इतिहास ऑप्शनल विषय के रूप में मैं आ रहा हूँ आप लोग यहाँ पे आइएगा तो हमारे रेफरल कोड के माध्यम से आइएगा ये हमारा रेफरल कोड है और आपको यहाँ पे दस प्रतिशत की छूट भी मिल रही है फीस में इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो आन अकेडमी ने यू ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन का एक कम्बो सीरीज़ प्रारंभ किया हुआ है ये बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में है इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये जो कम्बो पैक है ये आपको एक तरीके से ऐप के माध्यम से थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों को ढूंढ पाना तो अगर इस कम्बो पैक को आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से भी कर सकते हैं ये पैक आपको मिल जाएगा इसके अलावा आन अकेडमी ने 21 अप्रैल से यानी जो बीती हुई 21 अप्रैल कल की तारीख है उस तारीख से यहाँ पे कई प्रकार के बैचों को प्रारंभ किया है यहाँ पे एम के थ्रू तीन हज़ार पाँच सौ एम की एम के थ्रू में प्रारंभिक परीक्षा का बैच है कंप्लीट वन ईयर का यहाँ पे बैच है यू का टू ईयर का बैच है और एन का स्पेशल बैच है इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आ, खिलजी वंश का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे हम लोग खिलजी वंश के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप लोग तैयार हो जाइए स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में हाँ साउंड वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है एक बार आप लोग क्लियर कर लें आवाज़ बढ़िया से आ रही है आप लोगों तक पहुँच रही है आवाज़ <laughs> और बताएं आप लोग कैसे हैं सब लोग बढ़िया हैं ठीक ठाक हैं शुरुआत किया जाए हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे हाँ खुश रहिए दुष्यंत शर्मा अन्य लोग भी खुश रहिए मस्त रहिए और ठीक ठाक तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए पढ़ाई करने का ख़ास करके स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय जम के पढ़ाई कीजिए और पानी वगैरह पीते रहिए कैलोरी एनर्जी वगैरह लेते रहिए एनर्जी से और कैलोरी से समझौता मत कीजिएगा ठीक है ना हाँ सब ठीक ठाक है बहुत अच्छी बात है यही होना भी चाहिए किशोर कुमार कृष्ण शर्मा तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए लाइक भी कर लीजिए जितने लोग शामिल हैं अन्य लोग भी समय समय पर हाँ आल इज़ क्लियर आकांक्षा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद चलिए स्वागत है फिर शुरुआत करते हैं हम लोग तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज खिलजी वंश के इतिहास पर आप पहुंचे हैं अब खिलजी वंश का इतिहास एक तरीके से एक इतिहास के परिपेक्ष में व्यापक समझ बनाने के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है आपकी जो परीक्षा है चाहे वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो यूपीएससी के अलावा चाहे वो स्टेट कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा हो सभी परीक्षा के लिए इस खंड से आप लोग ये मान के चलिए कि केवल और केवल अलाउद्दीन से दो प्रश्न आ सकते हैं बड़े आराम से इजली आ सकते हैं पिछली बार तीन चार प्रश्न इसी अलाउद्दीन से ही है। से पूछा है जैसे पिछली बार मध्यकालीन भारतीय इतिहास से ज्यादा प्रश्न पूछा है बजाय आधुनिक भारत के इतिहास से तो बिल्कुल आप लोग तत्पर रहिएगा सावधान रहिएगा चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जानते हैं खिलजी वंश के बारे में चलिए तो ये जो खिलजी वंश का इतिहास है इसका इतिहास प्रारंभ होता है 1290 सौ ईस्वी में और इसका इतिहास समाप्त हो जाता है कब इसका इतिहास समाप्त हो जाता है 1320 सौ ईस्वी में तो इसका मतलब ये है भैया कि कुल 30 वर्षों तक भारत में ये खिलजी वंश के शासकों ने भारत के ऊपर शासन किया था कितने वर्षों तक शासन किया था कुल 30 वर्षों तक शासन किया था यहाँ पे एक तरीके के एक तरीके से एक जो प्रश्न बनता है वो यह बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर जिन पांच वंशों ने शासन किया उसमें से सर्वाधिक कम समय तक शासन इसी खिलजी वंश ने ही किया केवल तीस वर्षों तक इसने शासन किया तो बात आती है कि सबसे ज्यादा तो सब समय तक खिलजी वंश पर शासन किसने किया तो सबसे ज्यादा समय तक सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया तो तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर यानी भारत में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था चौरानबे वर्षों तक उन लोगों ने शासन किया था और 30 वर्षों तक ये खिलजी लोग शासन कर रहे हैं सबसे कम समय तक शासन कर रहे हैं अब खिलजी वंश में आप लोग देखेंगे तो इसकी शुरुआत होती है बारह सौ ईस्वी से आप लोगों ने देखा कि बारह सौ ईस्वी में गुलाम वंश दास वंश या मामलूक वंश का इतिहास समाप्त होता है मामलूक बंश भी गुलाम बंश को कहते हैं और मामलूक बंश गुलाम बंश को नाम दिया था इतिहासकार हबीबुल्ला साहब क्योंकि उन्होंने इजिप्टियन हिस्ट्री का व्यापक अध्ययन किया था और वहां पर जो दास लोग होते थे अगर वो शासन करते थे तो उनको मामलूक कहा जाता था इसीलिए जब भारत आए तो भारत में भी उन्होंने कहा कि हैं तो दास लेकिन अगर वो शासन कर रहे हैं तो दास अगर शासक वर्ग के रूप में कोई विख्यात है तो फिर उसको दास कहना उचित या अच्छा नहीं लगता इसीलिए मामलोक कहा गया अब मामलोक वंश का पहला जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन एवक और अंतिम जो शासक है उसका नाम है क्यूमर्स ये जो क्यूमर्स है ये गयासुद्दीन बलवन का पुत्र था और गयासुद्दीन बलवन का ये दूसरा पुत्र था इसका नाम देखने से आपको लग रहा होगा कि ये मुस्लिम का तो नाम है नहीं तो मुस्लिम का ही नाम है लेकिन जो फारसी शासक होते थे उनके नामों पर आधारित क्योंकि बलवन ने जो, जो फारसी शासक होते थे उनके नामों पर ही आधारित अपने पुत्रों का नाम रखा है इसके बड़े भाई का नाम क्या था कैकुबाद इसके बड़े भाई का नाम था जो कैको भात बात था उसने दिल्ली के समीप ही एक महल बनवाया था जिसका नाम था कीलो गढ़ी का महल या कीलो खरी का महल याद रखिएगा इस बात को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कैसे पूछेगा थोड़ी देर बाद में अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि तो ये वही किलो खड़ी या किलो गढ़ी का महल है जहां पे जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक है वो अपना कोरोनेशन करता है वो अपना राजा अभिषेक करता है इली इसी किलो गढ़ी के महल में तो ये जो क्यूमर्स है इसी के समय में मुख्य सेनापति जलालुद्दीन खिलजी इसका रहता है और इसी ने इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इस क्यूमर्स की हत्या करवा दी और हत्या करवाने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी जो इसका कमांडर इन चीफ था मुख्य सेनापति था उसने भारत में एक नबीन राजवंश की स्थापना की जिसको किसके नाम से जाना जाता है खिलजी के नाम से जाना जाता है जो ये खिलजी राजवंश है इसमें अगर आप देखोगे तो कुल चार मुख्य शासक के रूप में आपको दिखाई देंगे पहला शासक है जलालुद्दीन दूसरा शासक है अलाउद्दीन तीसरा शासक है मुबारक साखिलजी और चौथा शासक है नासुरुद्दीन खुसरो ये चार शासक हैं यानी चार शासकों के इतिहास को हमें पढ़ना है अब अगर आपसे क्रम भी यहाँ पे पूछ सकता है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल गहराई से आप, आपको ध्यान रखना है पे आरोही और अवरोही क्रम इन चार शासकों का आपसे पूछ सकता है जब प्रश्न आपके सामने आता है पेपर के रूप में वह चीज कठिन हो जाती है अभी आप लोगों को निश्चित रूप से लग रहा होगा ये तो बड़ा आसान है सर ने चार शासकों का नाम लिखा है लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनमें से वो कौन सा है वो बताए कि जो चारों शासकों का नाम क्रम से यहाँ पे जिसको याद हो गया आप लोगों का काम यही है कि बिल्कुल सेंट्रलाइज रहिए और कम से कम ये जो कंटेंट है इस पे नजर नजर जो आपकी असली नजर है वो पढ़नी चाहिए इस पे हटनी नहीं चाहिए नजर तो आप लोग यहाँ पे पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी के रूप में समझें दूसरा अलाउद्दीन तीसरा मुबारक शाह और चौथा नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये चार मुख्य शासक हैं इन्हीं के इतिहास का हमें अध्ययन करना है अब हम लोग पहुंचेंगे पहले शासक पर जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसका समय काल शुरू होता है बारह सौ नब्बे ईस्वी में ध्यान रखिएगा यहाँ पे नब्बे कर लेना है और इसका समय काल समाप्त हो जाता है बारह ईसवी छियानबे ईस्वी में तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपके सामने है तो अगर खिलजियों की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि खिलजी कौन थे तो आप कहेंगे कि खिलजी भी तुर्क थे खिलजी कौन थे खिलजी तुर्क थे खिलजी तो ये जो खिलजी थे आखिर ये विदेशी भी थे और तुर्क थे तो इनका भारत कैसे आना हुआ तो आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो आप लोग देखते ही हैं कि ये अपना भारत है जिसका नाम भारत देश महान अब इसी के यहाँ पे उत्तर में देखेंगे तो ये जो आपको प्रदेश वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में ये इस समय संघ शासित प्रदेश के रूप में विद्यमान है इस से विश्व के एक देश की सीमा मिलती है एक या अड़तीस किलोमीटर की सीमा है उसकी और उस देश का नाम क्या है भैया तो आप कहेंगे कि उस देश का नाम अफगानिस्तान उस देश का नाम क्या है उस देश का नाम अफगानिस्तान है समझते रहिएगा ध्यान पूर्वक अफगानिस्तान अब ये जो अफगानिस्तान है इस अफगानिस्तान में आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि एक नदी है और इस नदी का नाम है हेलमंद क्या नाम है हेलमंद और हेलमंद नदी घाटी इस समय है यहां पे इस समय हेलमंद नदी घाटी अब ये जो हेलमंद नदी घाटी है इस हेलमंद नदी घाटी में आप लोग देखेंगे तो एक प्रदेश है और इस प्रदेश का नाम क्या है इस प्रदेश का नाम है खलज प्रदेश क्या नाम है खलज प्रदेश इस देश का नाम है अब खलज प्रदेश एक प्रदेश का नाम है और इसी खलज प्रदेश के निवासी कौन थे खिलजी थे खलज प्रदेश का ही निवासी होने के कारण जो खिलजी थे उनको खिल्ली के रूप में जाना गया और ये भारत में क्यों आए थे कोई बता सकता है कि ये जो खल्ज प्रदेश के खिल्ली लोग थे आखिर इनका भारत आगमन क्यों हुआ ये क्यों भारत आए इनके भारत ये भारत आने का रीजन क्या था यानी भारत आने का इनका कारण क्या था तो आप लोग कहें कि ये खल्ज प्रदेश के लोग जो खिल्ली थे ये अत्यंत इनकी जो स्थिति थी वो काफी पुअर थी गरीब लोग थे और भारत में ये रोजगार की तलाश में आए थे किसकी तलाश में आए थे भारत में ये रोजगार की तलाश में आए थे ठीक और इसमें से जो जलालुद्दीन खिल्ली था जलालुद्दीन फिरोज खिल्ली था उसके माता मही और पितामही सर्वप्रथम रोजगार की तलाश में भारत आए थे लेकिन एक दिन तो रोजगार की तलाश में भारत आए लेकिन धीरे धीरे ये अपनी योग्यता के आधार पे इनका जो मुख्य सरदार था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो एक तरीके से इस दिल्ली का शासक बन गया तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसके बारे में कुछ खास बातों को जानिए आप लोग यही हमने यहाँ पे लिखा भी है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हेलमंद नदी घाटी में स्थित खलज प्रदेश में होने के कारण इनको खिलजी कहा गया इसी ने खिलजी की स्थापना की एक बात और आप लोग समझिएगा एक बात आप और समझिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा हमारी तरफ जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी बंश की स्थापना गुलाम वंश की गुलाम वंश को समाप्त करके किया था तो गुलाम वंश को समाप्त करके किया था एक नवीन वंश की भारत में स्थापना अब इसी कंडीशन को इसी स्थिति को एक इतिहासकार आपके सामने हैं और इन इतिहासकार का नाम है मोहम्मद हबीबुल्ला तो ये जो हबीबुल्लाह हैं, हबीबुल्ला साहब कहते हैं कि जो ये घटना थी ये घटना किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी किसी क्रांति से कम नहीं थी ये हबीबुल्ला साहब कहते हैं कि यह सत्ता परिवर्तन की ऐसी घटना थी जिसमें कई, कई प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिला था राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिला था हमें वंश परिवर्तन देखने को मिला था गुलाम वंश खत्म हुआ खिलजी वंश प्रारंभ हुआ हमें धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला हमें प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिला जो बलवन निरंकुश था अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी अति निरंकुशता को स्थापित करेगा तो तमाम प्रकार के यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिले इसीलिए इतिहासकार प्रसिद्ध इतिहासकार हबीबुल्ला ने कहा कि भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं थी हालांकि यह जो प्रश्न है वह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है और आपनल पेपर में जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है वहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के रूप में कैसे समझा जा सकता है एक विश्लेषण के द्वारा समझाइए तो आप वहां पे सीधे कहेंगे कि निश्चित रूप से खिलजी वंश की स्थापना भारत में खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है इसको खिलजी क्रांति के रूप में जानने वाले या खिलजी क्रांति के रूप में देखने वाले या क्रांति के चश्मे से देखने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था इतिहासकार हबीबुल्ला इन्होंने कई परिप्रेक्ष्य में खिलजी क्रांति का प्रयोग किया है जैसे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और धीरे धीरे उनकी व्याख्या कर दीजिए आपको आपका प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से उत्तर जो आपका है वो आपका हो जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अलावा देखते हैं इस जलालुद्दीन खिलजी के परिप्रेक्ष्य में तो ये जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो इसकी जो उपाधि है इसकी उपाधि क्या है साइस्ता की इसकी उपाधि जो जलालुद्दीन खिलजी है इसकी उपाधि क्या है साइस्ता की इसकी उपाधि है और इसका राज्यभिषेक कहाँ होता है हमने आपको बताया था अभी कि किलो खरी या किलो कढ़ी के महल में हुआ था और ये महल कहां स्थित है कोई बता सकता है किलो गढ़ी का महल किलो खड़ी का महल किलो खड़ी का महल कुछ भी इस तरीके से यूपीएससी विभिन्न विभिन्न शब्दों को रख सकता है यहां पे आप में से कोई बता सकता है कि ये जो किलो खड़ी का महल है ये कहां है आगरा में है या लखनऊ में है या कहीं और है किलो गढ़ी का महल तो ये जो महल है आप कहिए कि ये दिल्ली के समीप ही स्थित है कहाँ स्थित है ये दिल्ली के समीप ही यह महल स्थित है और इस महल को बनाया किसने था इस महल को कैकू बाद ने बनाया था कैकू बाद ने इस महल को बनवाया था ये गुलाम वंश का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतिम शासक था क्योंकि इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है क्यूमर्स तो अंतिम शासक के पहले वाला यह शासक था कैकुबाद और बलवन का पुत्र था ये ध्यान रखिएगा आप लोग जब ये सुल्तान बना तो इसकी उम्र सत्तर वर्ष थी आप लोगों ने फिल्म देखी होगी जो पद्मावती की फिल्म जो पद्मावत या ऐसे कुछ फिल्म आई हुई है इसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल आप लोगों ने जाना ही है कि किसने किया और जो अभिनेत्री हैं नायिका हैं उसका रोल किसने किया और वाकई उस रोल पे 200 प्रतिशत वो बंदा फिट बैठता है अलाउद्दीन खिलजी के रोल पे और 70 वर्ष की उम्र में ये जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे क्या बना था यहाँ पे शासक बना था यानी सुल्तान बना था यानी जब ये सुल्तान बना तो काफी बूढ़ा था काफी अधिक उम्र थी अब बलवन के समय में इसने सीमावर्ती प्रदेश की देखभाल यानी बलवन का जब समय था तो बलवन के समय में ये है एक तरीके से वहां पे इसने नौकरी करना प्रारंभ किया था और बलवन के समय में जो सीमावर्ती प्रदेश होते हैं सीमावर्ती प्रदेश का मतलब आप लोग समझते हैं सीमावर्ती प्रदेश का मतलब जैसे ये भारत है तो भारत की इन सीमाओं पे जो प्रांत हैं या किले हैं या जो भी क्षेत्र स्थित हैं इन्हीं सीमावर्ती दुर्गों पर इसको रक्षक के रूप में रखा गया था इसके रूप में रखा गया था रक्षक के रूप में इसको रखा गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बलवन के समय में ठीक सीमावर्ती आंतरिक नहीं आंतरिक नहीं सीमावर्ती इसके बाद में आप लोग देखेंगे तो ये जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना तो इसने काफी उदारता दिखाई अपने सरदारों के साथ में और इसने कहा कि मैं तो वह वृद्ध व्यक्ति हूं जिसने बलवन के समय में नौकरी की है जो सीमावर्ती प्रदेशों के रक्षक के रूप में काम करता था मैं तो बलवन का क्या था बलवन का दास था बलवन का गुलाम था और बलवन के जो महत्वपूर्ण सरदार हैं मैं उनका किसी भी तरीके से विरोध नहीं करूंगा तो जब ये शासक बनता है तो शासक बनने के बाद में इसके समय में कुछ विद्रोह होते हैं ये यूपीएससी में पूछा गया है आइए इसको देखते हैं तो इसके समय में एक विद्रोह होता है और यह विद्रोह कौन करता है यह विद्रोह मलिक छज्जू करता है पहला विद्रोह है इसके समय का अब ये मलिक छज्जू इस समय अगर आप लोग देखेंगे तो ये मलिक छज्जू जो है मलिक छज्जू यहाँ पे आप लोग पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश मिलेगा और उत्तर प्रदेश में ही आपको गंगा नदी घाटी मिलेगी और गंगा नदी घाटी में ही आपको वर्तमान में प्रयागराज मिलेगा और प्रयागराज के आसपास में ही एक प्रदेश स्थित है जिसका नाम है कड़ा मानिकपुर तो जो कड़ा है वो आप लोग देखेंगे तो इलाहाबाद की तरफ है और जो मानिकपुर है वो मिर्जापुर की तरफ है मिर्जापुर एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा ना हाँ, तो आई एस बनना है आप लोगों को तो बनिए रोका किसने कोई नहीं रोकता बल्कि आपकी हेल्प ही लोग करते हैं तो बनिए तो ये कड़ा जो मानिकपुर है यहीं का ये प्रांतपति है या आप कहिए कि यहीं का मलिक छज्जू गवर्नर है ये सूबेदार के रूप में ए है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलदी के समय में विद्रोह करता है जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में विद्रोह करता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे और दामाद भतीजा है और दामाद के रूप में भी है क्योंकि अपने भतीजे से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने और यह कौन है यह है अलाउद्दीन खिलजी जैसे बिंदुसार ने भेजा था अशोक को वैसे अब यह अपने भतीजे को वहां पे वो पुत्र था यहां पे ये भतीजा और दामाद है जैसे इराकी गवर्नर ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए उससे तुलना कर सकते हैं वैसे अब भेज रहा है ये कड़ा मानिकपुर के इस मलिक छज्जू के ऊपर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया और इस विद्रोह को समाप्त करके इस मलिक छज्जू के स्थान पर यह अलाउद्दीन खिल्दी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बन गया कौन बन गया अलाउद्दीन खिल्दी यहां का अप्रांतपति बन गया ध्यान रखिएगा कि जब यहां का प्रांतपति ये बन गया तो यहीं से अलाउद्दीन खिल्दी का चरमोत्कर्ष होना प्रारंभ होता है तो ये इसके जिंदगी का कही न कहीं ना कहीं प्रांतपति बनना एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भी है इसको आप लोग समझते रहिएगा तो पहले विद्रोह मलिक छज्जू के विद्रोह को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद में ये स्वयं वहां का प्रांतपति बन गया इसके अलावा इसके समय में एक दूसरा विद्रोह भी होता है ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है स्टेट कमीशन में भी कई बार पूछा गया है सीधी मौला का विद्रोह इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा सीधी मौला का विद्रोह एक है सीधी मौला का विद्रोह एक है हाजी मौला का विद्रोह तो मैं जब परीक्षाएं देता था तो एग्जाम के समय में काफी कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाता था कि भाई सीधी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ यही पूछता है यूपीएससी और हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगाया था कि जो सीधी मौला है उसको जेएस के नाम से ऐसे लिख लीजिए यानी जलालुद्दीन खिल्ली के समय में सीधी मौला का विद्रोह हुआ था और दूसरा विद्रोह जो इससे मिलता जुलता है वो हाजी मौला का है तो वो फिर अपने आप याद हो जाता है एक को आपको याद करना पड़ता है या दोनों को किसी कोर्ट के माध्यम से याद कर लीजिए तो हमने ये कोट बनाया था चूंकि हमको ये हमसे एग्जाम में ये एक बार गलत हुआ था अगर कोई चीज़ मुझसे गलत हो जाती थी तो फिर मैं छोड़ता नहीं था उसे आप लोगों को भी यही काम करना है तो आपसे गलती ना हो उसके पहले ही आप लोग ऐसा काम कर लीजिए तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसके समय में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है सीधी मौला इसी कोर्ट के माध्यम इसी कोर्ट के माध्यम से आप लोग इसको समझते रहिएगा तो बात है कि ये सीधी मौला कौन है तो आप कहेंगे कि सीधी मौला एक संत है और ये है सूफी संत जो चिश्ती सिलसिला है सिलसिला सिलसिला पढ़ाऊंगा सिलसिला विभिन्न सिलसिलों का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो नक्शबंदी सिलसिला हो कादरी सिलसिला हो पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ही पढ़ाऊंगा जब धार्मिक आंदोलन आएगा तो उसमें सूफी आंदोलन एक तरफ रहेगा दूसरी तरफ हिंदू आंदोलन रहेगा धार्मिक आंदोलन में तो ये जो बाबा फरीद थे काफी प्रसिद्ध थे बाबा फरीद इन्हीं का यह जो सीधी मौला था ये क्या था इन्हीं का अनुयायी था इन्ही का भक्त था अब जो बाबा फरीद थे बाबा फरीद की खान कहा थी और ये जो बाबा फरीद थे इनकी जो खान कहा थी खानकाह का मतलब क्या होता है खानकाह का मतलब होता है सूफी अनुयायियों का निवास स्थान क्या होता है निवा निवास सूफी अनुयायियों का निवास स्थान जैसे बौद्ध धर्म में बिहार को आप लोग पढ़ते हैं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान वैसे का अब कई बार ये भी देखा गया कि खानका धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ में राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र या अखाड़ा बन गया था यहाँ पे राजनीतिक परिचर्चाएं भी होने लगती थी अब ये जो खानका थी ये बाबा फरीद की थी और यहीं पे ये सीधी मौला रहता था लेकिन कुछ समय बाद ये जो सीधी मौला था सीधी मौला दिल्ली चला आया और दिल्ली में अपनी खानका बना के यहाँ पे रहने लगा और इसने अपने आसपास कई हिंदू लोगों को भी रख लिया था जैसे हथिया पाक को रख लिया था जैसे निरंजन कोतवाल को रख लिया था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसके समय के इतिहासकार इस सीधी मौला के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह अपने दोस्तों अपने मित्रों जिनका नाम है हाथिया पाक और निरंजन कोतवाल इनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र कर रहा है दिल्ली में ही और षडयंत्र यह है कि इस षडयंत्र द्वारा ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन को अंत कर देना चाहता है लेकिन यह जो षड्यंत्र है इसकी खुफिया सूचना इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिल गई तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया कि इसके मित्रों पाक और निरंजन कोतवाल को गिरफ्तार करवा लिया और इस सीधी मौला को भी गिरफ्तार करवा लिया और गिरफ्तार करवाने के बाद में इसको अपने सामने पेश करवाया जब अपने सामने इसको पेश करवाया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इससे खुद कहता है कि बोल तेरे साथ क्या किया जाए, जाए मार दिया या छोड़ दिया जाए तो क्या किया जाए भाई तेरे साथ तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसी समय कहा कि भाई तुझे छोड़ा तो नहीं जाएगा तुझसे कसम किया जाएगा क्योंकि तूने सुल्तान के खिलाफ तुमने शाही सुल्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है उसको उससे उसके पद से हटाने के लिए तो ये ये कैसा षड्यंत्र है ये राजद्रोह से कम नहीं है और राजद्रोह का राजद्रोह की जो सजा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि भाई मृत्युदंड की ही सजा है किसकी सजा है अच्छा मार दिया जाए <laughs> तो इस समय एक तरीके से जो सजा दी जाती थी ना वो सजा थोड़ा सा आज के जमाने से अलग थी वो केस वो मुकदमा वो पैरवी वो फाइल वो कोरोना के समय में फाइल उठा के चलना और वहां पता चले कि जज साहब आज आए ही नहीं व्यक्ति तो लौट के जाता है साठ चौसठ पैंसठ किलोमीटर शाम को घर तक पहुंचता है न्याय मिलना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन इस समय तुरंत न्याय मिलता था तो इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में एक पागल हाथी था हाथी एलिफेंट। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलदी ने क्या किया कि सीधी मौला को एक मैदान में छोड़ दिया और उस पागल हाथी को भी छोड़ दिया अब उस पागल हाथी ने ना आओ देखा ना ताओ अपने पैरों के नीचे क्या किया उस सीधी मौला को उस संत को कुचल दिया कुछ इतिहासकार इसकी मृत्यु पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो सीधी मौला था इसकी थोड़ा ढंग से जांच करा लेनी चाहिए थी क्या पता ये षड्यंत्र में शामिल ना हो और आपने इसके हाथियों इसकी हत्या हाथियों के पैरों के तरह कुचलवा के करवा दी भाई थोड़ा जांच वाँच कर लेना चाहिए था तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो यह हत्या की उसके नाम पर यह कलंक है एक तरफ आप कहते हो कि आप सत्तर वर्ष की उम्र में बादशाह बन रहे हो यानी सुल्तान बन रहे हो और दूसरी तरफ आप एक संत की हत्या ऐसे मैदान में हाथियों के पैरों तरे उछलवा के कर दे रहे हो तो इसमें तादाद में कैसे स्थापित किया जाए तो बादशाह कहेगा सुल्तान कहेगा कि भाई मैं शासक हूं और अगर हमारे खिलाफ ही कोई विद्रोह करेगा यानी राज्य के खिलाफ ही कोई विद्रोह करेगा तो बादशाह या सुल्तान का धर्म है कि वह उसको राज्य से समाप्त करवा दे जैसे कई बार मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप लोग हमारे इस समय हमारे विचार से नहीं इतिहासकार या इतिहास के विचारों से तादात्म जरूर स्थापित कीजिएगा समझिएगा कि आप लोग देखते होंगे कि अल्बुकर्क आया तो अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली गवर्नर था गोवा के सारे मंदिरों को तड़वा के वहां पे आज भी तमाम सारे जो आ, एक तरीके से आ, जो क्रिश्चियन तमाम भवन है उनका निर्माण करवाया था और आज भी आप लोग जाएंगे तो गोवा में एक तरफ से क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा तमाम सारे भवनों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा मंदिर कम ही देखने को मिलेंगे उसी तरीके से औरंगजेब ने मथुरा के ऊपर आक्रमण करवाया बनारस के ऊपर आक्रमण करवाया और औरंगजेब का कहना यह था कि वहां पे कुछ अराजक तत्व थे उन अराजक तत्वों को समाप्त करने के लिए हमने मथुरा और बनारस के मंदिरों को तोड़वा जबकि कई बार हम लोग बिना समझे किसी बात की आलोचना कर देते हैं कि भाई उसने मंदिर को तोड़वा दिया हमें इस बात को जानना है वो राजा कैसा मैं यह बात नहीं कर रहा कि उसने मंदिर तोड़वाया उसने मस्जिद तोड़वाया यह बात को राजा के लिए बहुत उपयोगी होगा जानना और उसको समाप्त भी करना कि अगर कोई भी स्थान है वहां पे कोई भी स्थान है वहां पे अराजक तत्व तो अगर विद्यमान है तो मान लीजिए आप अपने को शासक के रूप में यहाँ पे रखे देखिए ना सिंहासन पे कि आप अगर शासक होते और आपके समय में किसी विशेष स्थान पर आपको एक तरीके से सूचना मिलती कि यहाँ पे अराजक तत्व तो विद्यमान हैं तो क्या आप उनको समाप्त नहीं करते निश्चित रूप से आप भी करते आज भी तो ऐसा होता है आज भी तो अगर आप लोग रास्ता बना रहे होते हैं कहीं एक्सप्रेस वे है कहीं कुछ भी है उस रास्ते में कहीं मंदिर आ जाता है कहीं मस्जिद आती है तो कई बार क्या होता है कि उसको जो इंजीनियर्स होते हैं तोड़ने का प्रयास करते हैं कई बार फिर विरोध भी उनको सहना पड़ता है फिर भी वहां पर सरकार पहुंचती है वहां पे पुलिस पहुंचती वहां पर मिलिट्री पहुंचती है वो रहती है और रोड आगे निकलता जाता है ऐसा आज भी देखने को मिलता है तो यहाँ पे सीधी मौला का जो विद्रोह है और इसके विद्रोह की समाप्ति है या इसके षडयंत्र की समाप्ति है यह है जलालुद्दीन फिरोज खिल्ली के ऊपर एक कलंक के समान ठीक यह बात आप लोगों ने देखी इसके बाद में एक बात और देखिए आप लोग ये बहुत नई बात आपको मिलेगी जो अगली बात मिल रही है आपके सामने आ रही है प्रस्तुत हो रही है यह है, कॉन्सेप्ट के रूप में भी है एक समझ के रूप में भी है तो इसको समझिएगा आप लोग ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसके समय में मंगोलों का आक्रमण भी होता है भारत में पहली बार मंगोलों के आक्रमणों की संभावना 1221 में इलतुतिस के समय में बनी थी और उस समय जो मंगोल नेता था उसका नाम था चंगेज खान जिसके बचपन का नाम या मुख्य नाम तेमुचिन था जो मंगोलिया का शासक था जो ईरान के शाह के पुत्र जलालुद्दीन माक बर्नी का पीछा करते हुए भारत आया था लेकिन अलाव लेकिन इलतुत ने अपनी दूरदर्शी नीतियों के कारण मंगोलों के आक्रमण को असफल कर दिया था और नवजात दिल्ली सल्तनत को बचा लिया था लेकिन ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलदी है इसके समय में भी मंगोल आक्रमण की संभावना बनी और इस समय जो मंगोल नेता था वो हलाकू का पुत्र था और उसका नाम था उलूक खां यानी महान नेता तो ये जो उलूक खां है उलूक खां उलूक खां ने जब इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर आक्रमण किया तो ये आक्रमण करते हुए कहां पहुंच गया ये आक्रमण करते हुए इस पश्चिमी क्षेत्र मंगोलिया से आक्रमण करते हुए ये दिल्ली पहुंच गया जब दिल्ली पहुंच गया तो ये तो जो एक तरीके से सुल्तान था वो सत्तर साल में सुल्तान ही बना आक्रमणकारी इसका कोई विशेष रुख नहीं है एक सीधी मौला के खिलाफ ही है बस और कोई आक्रमणकारी रुख इसका नहीं तो इसने क्या किया इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इससे मेल मिलाप और समझौतावादी नीति अपनाया उलगू खां ने भी इसके साथ ऐसा ही किया तो उलगू खां के पास इस समय चार हजार मंगोल सरदार थे या मंगोल आक्रांता थे इन चार हजार मंगोल आक्रांताओं के साथ में इस उलगू खाने ने जलालुद्दान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से दिल्ली में एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक समझौता किया और इस समझौते के अनुसार इस उलूक खान ने शर्त रखी कि देखो भाई हमको दिल्ली में बसने दिया जाए हम दिल्ली में रहने चाहते, रहना चाहते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा ठीक है भाई हम ही कौन दिल्ली के हैं हम भी तो एक तरीके से अफगानिस्तान से आए हैं रोजगार की तलाश में आए थे और आप लोग भी इसी की तलाश में आए हो तो आप लोग भी यहाँ पे रहो दिल्ली आपकी भी है यानी मंगोलों के साथ इसने एक समझौतावादी रुख अपनाया और ये जो हलाकू का पुत्र उलुग खां था इसे कहा कि आप भी दिल्ली में बसो तो दिल्ली में ये उलुग खां के साथ में जो चार हजार इस समय मंगोल सरदार थे ये जहां पे उस समय बस गए इसको आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है आज भी दिल्ली में इसको मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा तो उलोग खां के नेतृत्व में जहां पे मंगोल बसे उस समय उसको मंगोलपुरी के नाम से जाना गया और आज भी उसको मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है वो एरिया आज भी दिल्ली में और एक बात और समझिए कि जब ये मंगो मंगोल आक्रांता दिल्ली में अपने चार हजार सरदारों के साथ में बस गए तो इनकी भी एक तरीके से एक जातीय इनका भी समीकरण बना एक वर्ग इनका भी बना इनको भारत में इस समय नबीन मुसलमान के नाम से जाना गया न्यूली मुसलमान के नाम से जाना गया भारत में अब ये भारत में नवीन मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध होंगे और कालांतर में इनको हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाएगा ध्यान रखिएगा इस बात को ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ठीक आगे बढ़िए आगे कुछ खास बातें देखिए अब आप लोग अगली जो एक हेडिंग है वो आपके सामने है कि देवगिरी का अभियान और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बद देवगिरी का अभियान और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बद तो ये देवगिरी का अभियान आप लोग ध्यान से समझिएगा ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय का टर्निंग पॉइंट तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए एक बार देवगिरी का अभियान अगर आप लोग भारत को देखेंगे तो मुझसे भारत का नक्शा वैसे बहुत वास्तविक रूप से तो नहीं बन पाता लेकिन हाँ आप लोगों का एक जो समझ है वो बिल्कुल उसकी कोई चिंता मत करिएगा वो समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी तो ये आपकी इस समय की दिल्ली है जलालुद्दीन फिरोज खिल्ली की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में देवगिरी का अभियान किया जाता है अलाउद्दीन खिल्ली द्वारा और ये जो देवगिरी का अभियान किया जाता है ये देवगिरी यहाँ पे है अब ये जो देवगिरी यहां पे है इस देवगिरी को इस समय दौलता बात के नाम से भी जाना जाता है यह है देवगिरी क्या है ये देवगिरी है समझिएगा ध्यान से अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी इसको पढ़ने को मिलेगा तो इसे देवगिरी या दौलताबाद कहा जाता है तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा इस बार समझ लीजिएगा आप और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी इसको खूब पढ़ने को मिलेगा तीन तीन शासकों के समय में एक ही एक तरीके से राज्य को आपको पढ़ने को मिलेगा इसलिए मैं इस तरीके से इसको बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है देवगिरी तो देवगिरी कहाँ है तो आप लोग कहेंगे कि यह महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो देवगिरी है इसका ही नाम दौलताबाद अब अलाउद्दीन खिल्दी ने इस देवगिरी का अभियान किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो अभियान किया था आप लोग समझिए कि जैसे ये दिल्ली है तो इस दिल्ली के ऊपर आप लोग देखेंगे तो यूपी है यूपी में प्रयागराज है और यहीं पे कड़ा मानिकपुर है ठीक यहीं से इसका ये अभियान किया था यहीं से इसका ये अभियान किया था ठीक और यह अभियान कब किया था बारह सो छियानबे सत्तानबे ईस्वी में किया था कब किया था बारह सो सत्तानबे ईस्वी आप मान के चलिए यह है अलाउद्दीन खिलदी अलाउद्दीन खिल्दी यहां से निकला और इसने इसका देवगिरी का अभियान किया यानी देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया अब बात आती है कि देवगिरी के ऊपर अलाउद्दीन खिल्दी ने यह अभियान क्यों किया तो आप लोग कहिएगा कि अलाउद्दीन खिल्दी एक महत्वाकांक्षी इस समय सरदार था और यह है धन प्राप्ति के उद्देश्य से इस देवगिरी के ऊपर अभियान करता है और यह है जो इसका अलाउद्दीन खिल्ली का अभियान है यह जलालुद्दीन फिरोज के समय में किया गया एक तरीके से कैसा अभियान है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसको इस अभियान का पता नहीं है चुपके से इस अभियान करता है चुपके चुपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता नहीं चलता अब जब इस अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी निकलता है तो छठे हुए घुड़सवारों को अपने साथ लेता है बिल्कुल कमांडो घुड़सवारों को अपने साथ में लेता है और जब निकलता है तो रास्ते में आपको आप लोग देखेंगे कि जब इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर से निकलेंगे तो तमाम सारे प्रदेश इटारसी पड़ेगा जबलपुर आपको यहाँ पे सतनी कटना ये नागपुर ये सारे क्षेत्र पड़ेंगे आपको और यहाँ आप पहुँचेंगे धीरे धीरे तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में पहुँच जाएंगे काफ़ी समय लगेगा और रास्ते में बहुत सारे लोग भी मिलेंगे कहीं पे आप स्नान भी करेंगे कहीं पे रुकेंगे भी हैं कहीं पे कुछ समोसे वगैरह खाएंगे क्यों कहीं पे कुछ पकोड़े वगैरह खाएंगे कुछ खाएगा पिएगा ना आदमी तो जब रुकेंगे कहीं पे तो कुछ लोग मिलेंगे भी तो कुछ लोग मिलेंगे तो उसी में कुछ लोग पूछेंगे हाँ देख रहे हैं कि घुड़सवारों को साथ में लिए हो और हथियार भी हैं तुम्हारे साथ तो कहाँ जा रहे हो भाई किसी को लूटने उठने तो नहीं जा रहे हो तो अलाउद्दीन खिलदी बहुत चालाक और सातिर माइंड का आदमी था उसने कहा नहीं साहब थोड़ा सा ऐसे अपने आंखों से आंसू निकाल देता था जो हमारे चाचा हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब उन्होंने अपने दरबार से हमें निकाल दिया है मैं तो बहुत परेशान हूँ मुझे तो कोई रोजगार ही नहीं दे रहा है तो मैं तो दक्षिण भारत जा रहा हूँ देखूंगा वहाँ अगर कोई रोजगार मिल जाएगा तो वहां पर रोजगार करूंगा ऐसे ये समझा देता था और यहाँ पे जब देवगिरी पहुंचा तो देवगिरी को इस अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा <laughs> और लूटने के बाद में यहाँ से बहुत सारा धन लेकर यह निकल रहा था और देवगिरी से बहुत सारा धन लेके जब निकल रहा था तो यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ इसको ग्वालियर मिला ग्वालियर से होके ही जा रहा था और इसी ग्वालियर में अब पता इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को चल गया कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया इस देवगिरी का अभियान किया और खूब धन लूटा क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज को इसके एक सरदार अहमद चप ने इस समय बताया कहा कि देखो आपको पता नहीं है अलाउद्दीन ने अभियान किया देवगिरी का और तमाम सारा धन लेके इस ग्वालियर के पास पहुंच रहा है अब चलो ऐसा करते हैं जलालुद्दीन से कहता है कि चलो अब ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर ग्वालियर में ही आक्रमण करके जितना धन है उसको लेके चले आते हैं ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये कहता है कि देखो मैं तो यहाँ पे सिंघासन पे बैठा हूँ काफी वृद्ध हो चुका हूँ और आप लोग भी उसी अलाउद्दीन का ही पैसा खा रहे हो भले ही हमसे ना बताया हो लेकिन वो जो धन लूट के ला रहा है वो हमें ही देगा वो हमारे लिए ही एफर्ट कर रहा है और आप कह रहे हो कि उसके ऊपर आक्रमण करो ग्वालियर में और आक्रमण करके आ, ओ, जितना भी धन है सब ले लो मैं यह काम नहीं कर सकता तो अहमद ने फिर होशियार किया कहा देखो साहब यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसका मन जो है वो काफी बढ़ गया है कहा नहीं नहीं उसके ऊपर आक्रमण तो हम नहीं करेंगे अब ये जो अलाउद्दीन खिलदी है ये ग्वालियर से सीधे पहुंच गया यहाँ पे कड़ा मानिकपुर कड़ा मानिकपुर यहाँ पहुंच गया अब ये जो कड़ा मानिकपुर है ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप समझिए ये कड़ा मानिकपुर इधर आप समझिए और इधर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अब पहुँच गया अब ये जो है ये क्षेत्र ये एक तरीके से गंगा नदी घाटी का है इसको आप लोग मान के चलिए कि ये दिल्ली का प्रदेश है और यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अब जब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी यह कड़ा मानिकपुर इधर पहुंच गया यानी गंगा नदी घाटी के उधर पहुंच गया तो अपने एक दूत को इसने क्या किया इस दिल्ली यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास सेंड किया और कहा कि देखो चाचा जी बिना हमने आपसे पूछे निश्चित रूप से देवगिरी का अभियान किया और खूब पैसा लूटा है और ये सारा धन आपको देना चाहता हूं लेकिन आपको आना पड़ेगा आपको कहां आना पड़ेगा आपको हमारे पास आना पड़ेगा यानी कड़ा माणिकपुर आपको आना पड़ेगा तो आप आइए और थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा आने में, क्योंकि जल्दी नहीं आएंगे तो बहुत दिन हो गया है आपसे मिले हुए मैं बहुत दुखी हूं मैं बहुत दिनों तक रह नहीं पाऊंगा मैं परेशान हो जाऊंगा तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा अब इस जलालुद्दीन फिरोज खिलदी ने आओ देखा नाताओ तुरंत अपनी कुछ सेना को लिया और चल पड़ा अब ये गंगा नदी के पहले ही यहाँ पे जब फाफा मऊ आप लोग देखते होंगे इधर फैजाबाद की तरफ से जाते होंगे तो फाफा मऊ पड़ता है और से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यही गंगा नदी का तट यहाँ पे अलाउद्दीन खिल्दी ने अपने गुप्तचरों को बिठा रखा था उन गुप्तचरों ने संदेश दिया कि जलालुद्दीन फिरोज खिल्ली तो बहुत बड़ी सेना लेके आ रहा है तो अलाउद्दीन खिल्दी ने फिर अपनी एक सैनिक टुकड़ी सेंड की अपने एक दूत को सेंड किया जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी के साथ पास इस फाफा मोह में यहाँ पे आ चुका था ये और इससे कहा कि देखो आप तो बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हो वो तो पहले से ही वो तो अलाउद्दीन खिल्दी आपसे पहले से ही डरा हुआ है और अगर आप उसके सामने सेना लेके आओगे तो वो फिर भाग जाएगा वो आपसे मिलेगा नहीं और भाग के अपनी सुसाइड कर लेगा देखिए षड्यंत्र अलाउद्दीन खिलदी का षड्यंत्र देखिए तो यहां पे भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देखो सुल्तान में ये गुण नहीं होने चाहिए सुल्तान को इल्तुतमिश जैसा सुल्तान होना चाहिए फिर इसने क्या किया कि अपनी सेना को अस्थल के रास्ते से भेजा कहा कड़ा मानिकपुर आप लोग पहुंचो और अपना एक नाव लिया और नाव के रास्ते से पहुंच गया इस कड़ा मानिकपुर तो अब आप लोग देखिए कि यहां पे अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है और यहाँ से आ रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिल्ली और यही है कड़ा मानिकपुर नामक स्थान यहाँ पे जलालुद्दीन यहाँ पे अलाउद्दीन फिरोज खिल्ली की सेना पड़ी हुई है चारों तरफ से इधर से ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहुंच गया गंगा नदी को पार करके इसके पास पहुंच गया कड़ा मानिकपुर अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बिल्कुल अपने भतीजे से अपने दामाद से क्या कर रहा है गले मिल रहा है प्रेम से और इधर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका एक सेनापति है और इस सेनापति का नाम क्या है इस, इस सेनापति का नाम है इख्तियारुद्दीन 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 हुद इख्तियारद्दीन हुद को यह जो जलालुद्दीन ये जो, जलालु जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने आंखों भी आंखों में इशारा कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने आंखों में ही इशारा कर दिया इस इख्तियार्दीन खुद को और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पीछे चला गया ये देखो ये है एक तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये है आपका अलाउद्दीन फिरोज खिलजी दोनों गले मिल रहे हैं आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं गले मिल रहे और यहाँ पे इख्तियारद्दीन हुद है इख्तियारुद्दीन हूद है अब ये क्या करता है ये चापर से इसके ऊपर प्रहार कर देता है अटैक कर देता है और अटैक करके इसका सर धड़ से अलग कर देता है इख्तियार्दीन हूद गला काट देता है पहले तो यहाँ पे पीठ में छुरा घोपता है और फिर ये गला काट देता है अब ये जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये जो सर है इसको क्या करता है एक नुकीले भाले में इसको एक तरीके से अलाउद्दीन फिरोज खिलजी रखता है और इस भाले में लेके इस सर को क्या करता है इस सर से आप लोग ये समझिएगा कि इस सर से ये चारों तरफ यहाँ पे क्या भाई कटा सर है तो ब्लड टपक रहा होगा ना क्या है ब्लड टपक रहा होगा खून यहाँ पे टपक रहा है चारों तरफ से अब एक तरफ यहाँ पे सुल्तान के सर से ब्लड टपक रहा है खून टपक रहा है दूसरी तरफ कुछ वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के जो अधीन शासक लोग हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया लगभग सभी लोगों की हत्या कर दी और एक तरफ यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खून के सर से एक तरीके से खून टपक रहा है और इसको लेके पूरा इलाहाबाद के क्षेत्र में अवध के क्षेत्र में इसको घुमाया गया कि देखिए अलाउद्दीन खिल्दी ने कहा कि देखिए मैं अपने चाचा की हत्या कर सकता हूं तो अगर मेरे सामने कोई आएगा तो मैं उसको बख्सूंगा नहीं अब इस कटे हुए सर को ये अलाउद्दीन फिरोज खिल्दी लेके पहुंचा यहां पे किलो महल यही है ना किलो महल जिसको एक तरीके से कैको बाद यही जलालुद्दीन फिरोज फिलजी का निवास स्थान था था और और इसमें इसका हरम भी था। ये हरम है और हरम हरम भी है में में इस हरम में आप लोग देखेंगे तो यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ भी है और इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री भी है अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जब एंट्री करता है तो यहाँ पे नीचे ही आप लोग देखेंगे तो उसका सिंहासन लगा रहता है उस सिंहासन के पास में जाता है और इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सर को रखता है क्योंकि तो इसके सर के ऊपर एक कपड़ा रखा रहता है इस कपड़े को हटा देता है फटाक से तो यहाँ पे जो हरम की महिलाएं हैं जो रानियां हैं वो तुरंत निकलती हैं और उसमें से अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी भी निकलती है और जो अलाउद्दीन की पत्नी है समझिएगा आप लोग वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री है तुरंत देखती है कि उसके पिता का जो सर है उसके अभी भी सर से ब्लड टपक रहा है और दूसरी तरफ अलाउद्दीन फिरोज खिलजी उस भाले में लेके इसके सर को खड़ा हुआ तो एक तरफ पिता का कटा हुआ सर दूसरी तरफ उसको उसका पति ही लिए हुए खड़ा है क्या गुजरी होगी उस स्त्री के ऊपर मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता लेकिन क्या गुजरी होगी वास्तव में तो स्त्री इस मामले में काफी कठोर भी होती है उसका हृदय कितना बड़ा है कोई समझ नहीं पाएगा उसके अंदर में कितनी कठोरता है कोई समझ नहीं पाएगा और उसका जो हृदय है वह कितना मुलायम है यह भी समझना बहुत मुश्किल कितनी ममता उसमें भरी हुई है ये समझना बहुत अपार मतलब ममता उसके उसमें भरी है और कठोरता भी भरी है मां को देखो आप उसके सामने उसका बच्चा अगर आतंकवादी हो तो तब भी वो मां कहती है नहीं ये हमारा सबसे प्यारा बच्चा है और वहीं पे जब उस स्त्री के सामने आप लोग देखते होंगे कि तमाम सारे राक्षस उसको घेर लेते हैं तो वो काली का रूप भी धारण कर लेती वो काली का रूप धारण करके फिर अंत भी करती तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि आइए और आने के बाद में जो रसम है रोहन की जो शाही चंदोवा पहनाने की रसम है उसको पूरा कीजिए तो उतरती है स्त्री अब उसके आंखों से आंसू तो टपक रहते होते टपक रहते हैं लेकिन फिर भी वो जो शाही चंदोवा पहनाने की रसम है उसको पूरा करती है यानी यहीं पे फिर अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक होता है और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक बनता है क्या बनता है दूसरा शासक बनता है ठीक तो अलाउद्दीन खिलजी को हमने शासक बना दिया भैया समझ रहे हैं ना आप लोग अलाउद्दीन खिल्दी शासक बन गया अब आपके सामने खिल्ली वंश का पराक्रमी शासक है सबसे पराक्रमी शासक है अलाउद्दीन खिल्ली ये जलालुद्दीन फिरोज खिल्ली का क्या है भतीजा और दामाद दोनों है इसका मूल नाम अगर आप लोग देखेंगे तो इसका मूल नाम है अली गुरसाप और इसका जन्म कहाँ हुआ था बारह में सिरसा सिरसा हरियाणा में है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे सिरसा यही सिरसा में इसका जन्म हुआ था इसका राज्याभिषेक 30 अक्टूबर बारह सौ छियानबे ईस्वी को हुआ ठीक बारह सो छियानवे में ही अभियान किया था ध्यान रखिएगा सत्तानबे में नहीं छियानबे में और छियानबे में ही ये अपना राज्याभिषेक करवा रहे स्थान है वही लाल भवन और ये लाल भवन इसका राज्यभिषेक ये स्थान है और इसको बलवन ने बनाया था इसकी उपाधि क्या है इसकी कई उपाधियां हैं इसकी उपाधियों को समझिएगा ये सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है स्वयं को सल्तनत काल का समुद्र गुप्त भी कहता है यह स्वयं को खलीफा का नायब भी कहता है यह स्वयं को विश्व का सुल्तान भी कहता है तो इसके बारे में आप लोग कुछ समझिए अलाउद्दीन खिल्ली, अलाउद्दीन खिल्ली, जब अलाउद्दीन खिल्ली शासक बना तो शासक बनने बारह से 1316 सो का इसका समय काल है। कई उपाधियां इसने धारण की तो जब शासक बना तो शासक बनने के बाद में इसने अपने सरदारों से और अपनी जनता से कहा कि हमारी दो इच्छा है हम दो काम करना चाहते हैं समझिएगा इसको थोड़ा सा और इसने पहला काम कहा कि मैं पूरे विश्व की विजय करना चाहता हूँ विश्व की विजय करना चाहता हूँ अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा और इसने दूसरी बात यह कही कि विश्व में हम विश्व में एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं ये अलाउद्दीन खिल्दी ने दो बातें अपने साम्राज्य में अपने लोगों के सामने रखी कि हम दो काम करना चाहते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा निरंकुश था कि इसके सामने किसी भी आईएस की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी आप सोच लीजिए तो अगर आप आई होते और अलाउद्दीन खिल्ली सामने होता तो इसको कैसे समझाते आप और खास बात ये थी कि, कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी इसके सामने जाने की इसी में से आप समझिए कि एक था जिसका नाम था ख्वाजा ख्वाजा अलाउल मुल्क अला उल मुल्क अब ये ख्वाजा अलाउल मुल्क की ही हिम्मत पड़ती थी इसके सामने जाने की एक गया और सुल्तान को समझाने का प्रयास किया सुल्तान ने पहले इससे कहा कि देखो भाई हमने विश्व विजय की योजना बनाई है और आप अपनी सेना को सजाओ और निकलते हैं एक एक का अभियान करते हैं जैसे अलेक्जेंडर ने पूरी विश्व की विजय की थी जैसे समुद्र गुप्त ने भी विश्व की तो विजय नहीं की थी लेकिन विजय तो की थी तो वहीं से प्रेरणा लेते हुए इसने ये फंडा अपनाया तो ख्वाजा अलाउल मुल्क ने कहा कि देखो सिकंदर के समय स्थितियां कुछ और थी सिकंदर ने विश्व की विजय कर ली उसका समय कुछ और था वो शासक था उसके पास धन था उसके पास सेना थी और समय ने उसका साथ दिया उसने विजय कर लिया लेकिन आप नहीं कर सकते हो ऐसे अलाउद्दीन खफा हो गया कहा क्यों नहीं कर सकते हमारे पास भी तो सेना है हमारे पास भी धन है कर सकते हैं विजय तो इसने कहा हाँ कर तो सकते हो लेकिन ये जो भारत है पहले आप इसकी ही विजय कर लो यहाँ पे जो आप तुर्क लोग हो यहाँ पे अभी मुट्ठी भर हो जो तुर्क लोग हो अभी क्या हो अभी मुट्ठी भर हो ज्यादा नहीं हो अभी मुट्ठी भर हो एक मुट्ठी में बंद करने लायक हो ये पूरा देश जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का देश है तो पहले आप इस हिंदुस्तान की ही विजय कर लो और इसकी जब विजय कर लेना तो फिर विश्व विजय की योजना बना लेना तब अलाउद्दीन इस बात से इस बात को समझ गया तार्किक रूप से कहा कि हाँ भाई अभी तो आप बात सही कह रहे हो तो चलिए हिंदुस्तान की विजय करना शुरू करते हैं और दूसरी बात दूसरी बात कहा कि मैं विश्व में एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता हूं तो इस अलाउल मुल्क ने कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि देखो जो शासक होता है उसका काम होता है शासन करना वो धर्म का ठेकेदार नहीं बनता और किसी ने ऐसा काम किया भी नहीं है धर्म के परिपेक्ष में कि कोई धार्मिक प्रधान भी बन जाए ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने हो तो बताइए तो अलाउद्दीन खिलजी चुप हो गया कि भाई कोई उदाहरण तो था ही नहीं जब कोई उदाहरण नहीं था तो इसने कहा पहले विजय उजय कर लो जब विजय उजय कर लेना तो धार्मिक प्रधान बनना आपका काम नहीं है उसको धार्मिक लोग देखेंगे उसके उधर से अपना इरादा बदल दो तो यहां पे अलाउद्दीन ने अपना इरादा बदल दिया एक बात मैं और इस अलाउद्दीन खिलजी की समझाना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी आप लोग देखेंगे तो इस्लामिक कानून की दो पुस्तकें हैं एक का नाम है सरा और दूसरी का नाम है सरियत अब इसी में आप लोग देखेंगे तो ये जो सरा एवं सरियत है जो कुरान है वो हदीस है वो तो भाई इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तकें हैं उसमें भी इस्लामी कानून का ही वर्णन है और इसमें भी इस्लामी कानून का वर्णन है क्योंकि इसको वहीं से ग्रहण किया गया है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलदी है अलाउद्दीन खिलदी जो है वो क्या कहता है वो कहता है कि देखो मैं यह केवल जानता हूं कि मैं जन्म से मुसलमान हूं अलाउद्दीन खिल्दी ने इस परिप्रेक्ष में कहा कि मैं जन्म से क्या हूं मैं जन्म से मुसलमान हूं मैं जन्म से मुसलमान हूं और कर्म से मैं शासक के रूप में स्थापित हुआ हूं अपने कर्म से अपने शासक के रूप में स्थापित हुआ हूं कल कर्म का मतलब क्या है कि हमारी तलवार में क्या है धार है इसी तलवार की धार तलवार ने नहीं कहा तलवार की जो धार है इसी धार ने हमें शासक बनाया तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा वो ये पूछा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि सरा एवं शरीयत क्या है तो यही अलाउद्दीन खिल्दी है ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि सरा एवं शरीयत क्या है लेकिन मुझे यह पता है कि मैं जन्म से मुसलमान ही पैदा हुआ हूं और जब मरूंगा तब भी मुसलमान ही, ही रहूंगा वो कहता है आगे कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा जब अंतिम दिन आएगा तो अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा ईश्वर मेरे साथ क्या करेगा मुझे यह भी नहीं पता लेकिन मैं धर्म से प्रभावी होकर कोई निर्णय नहीं लूंगा कहता है कि मैं धर्म से प्रभावित होकर सराय सरियत के आधार पर कोई निर्णय नहीं लूंगा यानी इसको मानने से एक तरीके से इनकार तो नहीं किया लेकिन कहा कि मैं इसके आधार पर नहीं चलूंगा कहता है कि मुझे यह नहीं पता कि मेरे साथ ईश्वर अंतिम दिनों में क्या करेगा अल्लाह अंतिम दिनों में क्या करेगा लेकिन मुझे जो तार्किक लगेगा यह कहता है कि मुझे जो तार्किक लगेगा यानी जो भी अच्छा होगा जो भी उचित होगा जो जनता के हित में होगा इसने कहा कि जो जनता के हित में होगा हम वही काम करेंगे किसके हित में होगा वही काम करेंगे हम किसी साहित्यिक पुस्तक से संरक्षित नहीं होंगे हमें जनता के परिपेक्ष में जो अच्छा लगेगा वही काम करेंगे यही बात ये कहता है और एक बात में आपको यहाँ पे अब धीरे धीरे आगे बताना चाहूंगा कि जब अलाउद्दीन ये शासक बना तो अलाउद्दीन ने एक तरीके से जो शासक का पद होता है जो सुल्तान का पद होता है बलवन से ज्यादा भी उसे निरंकुश बना दिया बलवन ने तो ये कहा था कि जो सुल्तान का पद है वो नियाबत एक खुदाई है जो सुल्तान है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है लेकिन ये आगे बढ़ते हुए कहता है ये अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ते हुए कहता है कि भैया सुल्तान के पद का वारा न्यारा तलवार की धार करती है जिसकी तलवार में ज्यादा धार है उसी को सुल्तान के पद पर बैठना चाहिए उसी को सुल्तान की कुर्सी मिलनी चाहिए यह बात कहता है अब ये जब शासक बना तो इसकी जो नीति थी प्रारंभ में ही आप लोगों ने देखा कि अपने चाचा की हत्या करके ये शासक बना तो जो शासक बना तो उसके समय काल में जो जनता के बीच में है स्थिति वो एक भय की स्थिति जनता कांप रही है कि अपने चाचा का ही बध कर दिया और उसके सर को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घुमा फिर दिल्ली पहुंचा तो ये तो बड़ा खतरनाक शासक है जनता कांप रही है काफी भयभीत है लेकिन अब जनता भयभीत होके थोड़ा अराजक भी हो जाती जब जनता को कुछ सोचता नहीं तो जनता अराजक भी हो जाती है और फिर इतना आसान नहीं है जनता से निपट पाना क्योंकि जनता क्या है एक बूम है तो आप लोग भी कभी आई बनिएगा और बनेंगे ही आईपीएस बनिएगा तो जहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो बूम इकट्ठा हो वहां पे आईएस और आईपीएस लोग जो समझदार होते हैं वो नहीं जाते क्योंकि जनता कुछ नहीं देखती हमने यही यूपीएससी के परिपेक्ष में देखा है 2001 में जो यूपी 2011 में जो यूपीएससी ने परिवर्तन लाया ऑप्शनल पेपर को हटाया प्रारंभिक परीक्षा से और मुख्य परीक्षा में दो ऑप्शनल होते थे उसको हटाया तो लोगों ने मूवमेंट किया और यही जो दिल्ली का जे रोड है मुखर्जी नगर के पास में ही यहीं पर हमने देखा कि सारे स्टूडेंट कोचिंग के आ गए और पूरे रोड को जाम कर दिया और उसमें हमने यह भी देखा कि जो लोग मोटरसाइकिल से पुलिस की वर्दी में भी आ रहे हैं वो भी उनकी क्या स्थिति हुई पूछो मत तो आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी कुछ भी दंगा होता है कोई भी बात होती है तो पुलिस बाद में पहुंचती है तो पुलिस के बाद में पहुंचने का कारण यही है क्योंकि तो जनता फिर कुछ देखती नहीं है कि कौन आ रहा है है ना आगे बढ़ा जाए इतनी बात समझ में आई तो अब जनता आक्रोशित हो जाती है और आक्रोशित होके अलाउद्दीन खिलजी के, के खिलाफ विद्रोह कर देती है और इसमें जनता का कुछ सरदार प्रतिनिधित्व करते हैं तो अलाउद्दीन के प्रारंभिक समय में ही आंतरिक विद्रोह की भावना बनती है और यह आंतरिक विद्रोह कुछ नवीन मुसलमान लोग करते हैं जो नबीन मुसलमान हमने बताया मंगोलों के रूप में दिल्ली में स्थापित इसमें अकत खां है मंगू खां है और इसी में हाजी मौला है ये लोग विद्रोह कर देते हैं इसके समय में अब जब विद्रोह कर देते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भैया अभी तो हम शासक बने और अभी हमारे खिलाफ इतने विद्रोह की भावना कैसे भड़क उठी वो सोचता है वो तर्कशील प्राणी कि अभी तो हम कुर्सी पर बैठे ही हैं अभी कोई काम नहीं किया तो आखिर ऐसी क्या बात है कि ये दिल्ली में आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है और अकत खां मंगू खां सीधी मौला नुसरत खां इन लोगों ने विद्रोह कर दिया हमारे खिलाफ दिल्ली में तो यहां पे आप लोग देखिए कि नबीन मुसलमानों में ये उलूक खां ने विद्रोह कर दिया था अकत खां ने विद्रोह कर दिया मंगू खां ने विद्रोह कर दिया हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया प्रारंभिक समय में ही अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह विद्रोह हो गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई और मंत्रियों से कहा कि जरा विचार करो गौर करो कि आखिर प्रारंभिक समय में ही यह विद्रोह क्यों हो रहे हैं तो जरा सोचो आप लोग भी तर्कशील प्राणी हो कि क्यों इसके समय में प्रारंभिक समय में ही ये विद्रोह हो रहे हैं जरा सोचो आप लोग एक बार देखो क्या सोचते हो आप लोग थोड़ा हमारी तरफ भी आप लोग ध्यान दीजिए अलाउद्दीन खिलदी है सामान्य शासक नहीं है अलाउद्दीन खिलजी को मैं ऑप्शनल पेपर में चार दिन कम से कम पढ़ाता हूँ पंद्रह घंटे की क्लास है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसको समझना भी सामान्य नहीं है और इसकी जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो वर्तमान में भी आज भी हैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं मन से और ध्यान से समझते रहिएगा ये नहीं कि चैट में ही लगे रहिए आप लोग ठीक है ना जरा सोचो एक बार कि अब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी क्या सोचेगा क्यों विद्रोह हो रहे हम्म जी सर हाँ सोचिए फिर मनीष <coughs> आप भी सोचो मनीष बताइए जल्दी से बताइए बताइए कुछ लोगों के अच्छा मनीष आप वहां नहीं थे उस समय तो कैसे बताएंगे ठीक है और बताइए <laughs> ध्यान दीजिएगा थोड़ा ठीक <laughs> तो यहां पे हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट के रूप में प्रस्तुत किया है जो अलाउद्दीन खिलदी के समय में यह विद्रोह हुए इसके कारण क्या निकाले अलाउद्दीन खिल्दी ने और इसका निवारण कैसे किया तो देखिए इसको यहां पे आपको दिखेगा कि जो सुल्तान है जो शासक है जो अलाउद्दीन खिल्दी है अलाउद्दीन खिलदी के समय में अभी भी कोई गुप्तचर व्यवस्था नहीं है कोई खुफिया व्यवस्था नहीं है कि कहीं कोई विद्रोह करे जैसे मनीष विद्रोह की भावना में अगर आ रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाए पूरा मत मानिएगा ठीक नाराज नहीं होना है। फारे जैसे कहीं विद्रोह की स्थिति बन रही है तो अलाउद्दीन खिलजी के जो खुफिया विभाग है जो सीबीआई है जो आईबी है जो रा है आईबी की नौकरी करना बहुत मुश्किल है भाई आईबी की नौकरी करना बहुत मुश्किल है। मतलब कुछ लोग तो ये बताते हैं कि चिप लगी रहती है आप में मान लो आप घर में छुट्टी पे भी गए तब भी आप फोन से किसी से लूज कर ही नहीं सकते और कहते हैं जैसे ही ऐसा कुछ होता है तैसे दूसरा जो खुफिया विभाग होता है वो आप जो आपका जो खुफिया विभाग है वहां पहुंच जाता है मतलब जहां आप रहते हो और आई बी मैंने फॉर्म भरा था एक बार मुझे पता चल रहा है कि 2008 या 9 में एक बार फॉर्म भरा था उस समय सब ऐसे ही फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म आते थे ऑफलाइन फॉर्म में भी वो फॉर्म आता था इलाहाबाद में फॉर्म लिया और भर दिया तो उसका कॉल लेटर नहीं आया तो कॉल लेटर नहीं आया तो उस समय एक नंबर उन्होंने जारी किया लखनऊ में कि उस नंबर पर फोन करके पहुंचिएगा तो नंबर पे फ़ोन करके जब मैं पहुंचा तो लखनऊ में जो सब्जी मंडी है चौक के आसपास में वहाँ उनकी आपस थी और एक आपस मेंटेन वो कर रहे थे और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि हाँ ये आपस तो वहाँ पे उन्होंने वो का लेटर हमारा बनाया और दिया कि हाँ जाओ आप परीक्षा में शामिल हो सकते हो मतलब ये भी नहीं पता रहता आई को ख़ुद भी नहीं पता रहता कि उनकी आपस आज यहाँ है तो कल कहाँ हो जाए बहुत कठिन नौकरी है बहुत टफ नौकरी है भाई आ, उसमें अधिकारी के रूप में है जैसे आईपीएस हैं तब थोड़ा था, तब थोड़ा सा ठीक होता है क्योंकि आईपीएस भी उधर जाते हैं सीबीआई में भी जाते हैं आईवे में भी जाते हैं रा में भी जाते हैं तो यहाँ पे जो गतिविधि है वो कहीं से मिल नहीं रही है जो षडयंत्र है उसकी सूचना कहीं से मिल नहीं रही है जब कहीं से मिल नहीं रही है तो बड़ी आसानी से लोग षड्यंत्र करते हैं फिर विद्रोह कर देते हैं और फिर दिल्ली यानी सुल्तान के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं पहला निष्कर्ष या पहला कारण विद्रोह का यह निकाला दूसरा विद्रोह का कारण क्या निकाला कि यहां पे बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और उन सभाओं में तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो मद्यपान करते हैं मद्यपान ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद में व्यक्ति विद्रोह की भावना अब हो सकता है कि कई बार कोई इकट्ठा हो और 20-25 लोगों को ड्रिंक पिला दे और फिर कहे कि भाई फलाने को इस तरीके से अभ्यूज लैंग्वेज का उनके खिलाफ प्रयोग करो ऐसा भी हुआ है कई बार ये लोग विद्रोह की भावना में भी आ जाते हैं दूसरा यह निष्कर्ष निकाला तीसरा इसने यह निकाला कि इस समय का जो सामंत वर्ग है जो चौधरी लोग हैं जो खूत हैं जो मुकदम हैं, इनमें आपस में वैवाहिक संबंध होता है तो ये जो वैवाहिक संबंध होता है ये क्या करते हैं कि आपस में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और ये बड़ी मजबूती से उस सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और इनका विद्रोह सफल भी होता है तीसरा कारण ये निकाला चौथा चौथा यह निकाला कि ये जो चौथरी खूत और मुकदम हैं इनके पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं इनके पास बहुत सारे धन हैं तो इन धनों के कारण इनके विशेषाधिकारों के कारण ये काफी उदंड वर्ग के रूप में इस समय स्थापित हो गए ये चार मूलभूत कारण के रूप में इसने निकाला अलाउद्दीन खिलजी ने अब इस समस्या का निजात पाने के लिए इन चार कारणों से संबंधित जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया अब पहली जो पहला जो कारण था देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी सूचना नहीं मिल पाती थी कि उसके साम्राज्य में कोई भी विद्रोह हो रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सूचना पाने के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी अपने समय काल में एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाता है और यह जो गुप्तचर विभाग है वो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज के अधीन ही है और अलाउद्दीन खिलजी इस समय कई गुप्तचरों की नियुक्ति भी करता है इन गुप्तचरों में आप लोग देखेंगे तो एक गुप्तचर है जिसका नाम है मुनहिस मुनहिस एक गुप्तचर है आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुनहिस क्या था तो गुप्तचर था इसकी नियुक्ति किसने की अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्ति की अब गुप्तचर गुप्तचर विभाग बना दिया गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी तो अब अगर कोई विद्रोह की भावना पनप रही है दिल्ली में या कहीं भी तो सुल्तान को पता लग जाता था और सुल्तान तुरंत अपनी सेना को आक्रमण का हुक्म दे देता था और सेना पहुंच के उस विद्रोह को समाप्त कर देती थी पहला सॉलिड काम किया दूसरा अब एक और इसने यहां पे निकाला था कि मध्य निश्चित मध्यपान लोग करते थे सभाओं में एकत्रित होते थे और मद्यपान करते थे तो मद्यपान पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो फिर मुश्किल होगा तो इसने मध्य निषेध संबंधी कानून बना दिया अगला ये जो अमीर वर्ग हैं इनमें जो वैवाहिक संबंध होते थे वैवाहिक संबंधों पर क्या लगा दिया प्रतिबंध लगा दिया अब वैवाहिक संबंध होंगे ही नहीं तो आप में ताकत ही नहीं आएगी इसके अलावा ये जो उदंड और धनी वर्ग था जो खूत चौधरी और मुकदम था जो धनी वर्ग था जो उदंड वर्ग था जिसको तमाम सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे जिसके पास बहुत सारी भूमि और संपत्ति थी तो अलाउद्दीन खिल्दी ने क्या किया कि इसके चौधरी खूत और मुकदम के जो विशेषाधिकार हैं एकाधिकार है उन अधिकारों को समाप्त कर दिया और इनके पास जो जमीन है इसको छीन लिया और छीन के इसको जमीन को एक तरीके से खालसा जमीन में परिवर्तित कर दिया सुल्तान की व्यक्तिगत जमीन में परिवर्तित कर दिया यानी खालिसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया छीन लिया इनसे जमीन इनसे अधिकार भी छीन लिए तो अब क्या हो गए अब कमजोर हो गए जो कमजोर हो जाएंगे तो कैसे विद्रोह करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक समय में ही ये जो विद्रोह की भावना साम्राज्य में पनपी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कारण अब ये पूछा भी जाता है कि विद्रोह के क्या कारण निकाले थे चार कारण में एक पांचवा कारण रख देगा और आपसे पूछ लेगा इनसे निपटा जब इनसे निपटा तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय में एक दूसरी समस्या आके उत्पन्न हो गई यह दूसरी समस्या कौन सी समस्या है भाई तो यह जो दूसरी समस्या है वह मंगोलों के आक्रमण के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के सामने आई अब इस मंगोल आक्रमण के स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं कि किन किन मंगोल नेताओं ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किया तो दो तीन बातें पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल जो आक्रमण हुआ उसका नेता कौन है और कब किस मंगोल नेता ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिल्दी ने अपने किस सेनापति को उस मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए भेजा तो एक नजर एक नजर जल्दी से आप लोग देखिए फिर आगे बढ़ते हैं छह मंगोल आक्रमण हो रहे हैं छह मंगोल आक्रमण हो रहे हैं आपके सामने हैं ऊपर मंगोल नेता का नाम लिखा हुआ है जरा पढ़िए ऊपर मंगोल नेता का नाम लिखा हुआ है और समय कब उसने आक्रमण किया उसका समय भी लिखा हुआ है देखा आप लोगों ने पीडीएफ मिल जाएगा आज ही मिलेगा अभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हाँ कोई टेलीग्राम चैनल का भाई लिंक एक बार शेयर कर ले ग्रुप में टेलीग्राम चैनल का लिंक चलिए मैं शेयर कर देता हूँ वैसे लास्ट में मैं आपको लिंक दूंगा ही निश्चिंत रहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मैंने शेयर कर दिया है हाँ भाई सब लोग मन से पढ़ो किसी को कोई डिस्टर्ब ना करे नहीं तो फिर टीम आपको ब्लॉक भी कर सकती है और फिर परेशानी होगी दिक्कत होगी फिर कुछ लोग फ़ोन करते हैं कुछ कई बार क्या होते हैं कि जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं समझदार लोग होते हैं तो पढ़ाई कीजिए चैट भी कीजिए शांति से चैट कीजिए कि किसी को नुकसान ना हो क्योंकि यहाँ कोई जानवर थोड़ा ना चैट कर रहा है जानवर नहीं है ना भाई तो आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो ठीक है ना तो हमने ये टेलीग्राम चैनल आपको शेयर कर दिया है आप लोग इसको ज्वाइन कर लो ये पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा ठीक और अगर कोई ऐसा करता है तो आप लोग भी ब्लॉक कर देना और आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ फिर टीम आपको ब्लॉक कर देगी फिर परेशान होंगे पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए शांति से पढ़ना है ठीक आइए आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा निश्चिंत रहिए आज ही मिल जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहला जो यूपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए तो वह अलाउद्दीन खिल्दी ही है जिसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलदी के समय में कितने मंगोल आक्रमण हुए कुल तो आप कहिए कुल कुल छह मंगोल आक्रमण हुए पहला जो मंगोल आक्रमण है उसका नेता कौन है तो यहां पे लिखा हुआ है कादी तो आप लोग कादिर कर लीजिएगा कादिर ख इसका नेता है बारह सो ईस्वी में इसने आक्रमण किया था जब इसने आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिल्दी ने क्या किया अपने अपने सरदार, सेनापति जफर खां और उलगू खां को भेजा इससे सामना करने के लिए किसको भेजा इस जफर खां को भेजा और इस उलगु खां को भेजा और इसमें से उलगू खां जो था वो तो थोड़ा सा कमजोर और कम महत्वाकांक्षी सेनापति था ये जो जफर खां था जफर खां जैसे अलाउद्दीन खिलजी था वैसे ही इसका स्वरूप था इसने मंगोलों को खदेड़ा मंगोल भागे और फिर भी मंगोलों का पीछा करता रहा और मंगोलों को काटता रहे दोनों हाथों से ये तो क्या करता था मुंह से लगाम पकड़ता था घोड़े की और दोनों हाथों में तलवार लेता था और काटता रहता था मंगोलों को तो मंगोल भाग गए बड़ी दूर तक इतने इसने खदेड़ा पहला आक्रमण एक तरीके से है मंगोलों का और इसका नेता कादिर खान है और इसको पराजित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के समय में दूसरा मंगोल आक्रमण होता है सलदी के नेतृत्व में बारह सो निन्यानबे ईस्वी में और बारह सो निन्यानबे में जब इसका आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रमुख सरदार जफर खान को इससे निपटने के लिए भेजा जफर खान ने उसी तरीके से इसके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया जिस तरीके से कादिर ख्वाजा या कादिर खान के ऊपर आक्रमण किया था और मंगोलों के इस दूसरे आक्रमण को भी अलाउद्दीन खिल्ली के प्रमुख सेनापति जफर खान ने क्या किया जफर खान ने असफल बना दिया लेकिन अब ध्यान रखिएगा अब एक और बड़ा मंगोल आक्रमण होता है इसके समय में और सबसे बड़ा मंगोल नेता यही है जो आक्रमण करता है और इसका नाम है क्या इसका नाम है कुतलुग ख्वाजा बारह सौ निन्यानबे के अंतिम दिनों में कुतुलुग ख्वाजा एक अपनी शाही सेना के साथ में भारत के ऊपर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में करता है अब अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपनी सेना में इस जफर खान को भी लिया इस उल्गू खां को भी लिया इस अकत खां को भी लिया यानी स्वयं भी है और अपने तीन यारों को भी अपने साथ लिया यानी तीन सेनापतियों को भी अपने साथ लिया सेना को अलाउद्दीन खिलजी ने सजाया बीच में स्वयं रहा अपने बाएं भाग पर अकद खां को रखा दाहिने भाग पर जफर खां को रखा और जफर खां उसी तरीके से प्रहार करने लगा जिस तरीके से पहले के दोनों आक्रमणों में किया था लेकिन जफर खां अब क्या किया जफर खान ये जो मंगोलों का आक्रमण हो रहा है इस क्षेत्र से ये जफर खां यहां से दिल्ली से खदेड़ता हुआ एक तरीके से मंगोलों को चला गया उत्तरी पश्चिमी सीमा तक और अलाउद्दीन की जो सेना थी जो अकद खां अलाउद्दीन की सेना थी वो लौट आई दिल्ली और जफर खान इन मंगोलों को खदेड़ता हुआ चला गया इनको काटता हुआ एक तरीके से चला गया अब कहते हैं कि यहाँ पे जब जफर खां पहुंचा तो एक दिन एक रात में आराम कर रहा था जफर खान कौन आराम कर रहा था जफर खान आराम कर रहा था और जफर खान जब आराम कर रहा था तो इसी समय एक मंगोल नेता इसके सामने आ गया और ये दूसरा मंगोल आक्रमणकारी नेता था जो दूसरा मंगोलों के समय में आक्रमण किया था सल्दी अब सल्दी ने इसको जफर खां को पहचान लिया जब सल्दी ने पहचान लिया कि जफर खान सोया हुआ है तो सल्दी ने इसको घेर लिया जब सल्दी ने इसको घेरा तो इस जफर खान ने अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश पहुंचाया कि हमको भाई इसने घेर लिया है सल्दी ने और अब आप शाही सेना को भेजो तभी इससे हम निपट सकते हैं लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत चतुर आदमी था उसने क्या किया कि उसने अपनी शाही सेना को समय से भेजा नहीं जब समय से भेजा नहीं तो सल्दी इसको पहले से ही घेरा हुआ था इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इस जफर खान अलाउद्दीन खिलजी के समय में तीसरा जो आक्रमण था बंगोलों का कहा जाता है कि ये जो तीसरा आक्रमण था इसमें अलाउद्दीन खिलजी को दोहरी सफलता मिली अलाउद्दीन खिलजी को दोहरी सफलता मिली यानी एक पंथ दो काज मिला कैसे भैया एक तो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सरदार था जिसका नाम था जफर खां, इसका भी अंत हो गया और दूसरे जो मंगोल नेता था जिसका नाम था कुतलुक ख्वाजा इसका भी अंत हो गया और अलाउद्दीन खिलजी को बहुत एफर्ट भी नहीं करना पड़ा तो एक तो कुतलुग ख्वाजा नामक मंगोल नेता का अंत हो गया और दूसरे जिससे अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भयभीत रहने लगा था क्योंकि तो जिस तरीके से ये दोनों मंगोल आक्रमण को पहले समाप्त कर दिया था इसकी बहादुरी से अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित भी हुआ था और द्रवित भी हुआ था द्रवित कैसे हुआ था कि अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है क्या पता कि एक दिन तलवार लेके ये हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दे और आक्रमण करके हमारे से हमारी सत्ता को छीन ले और स्वयं सुल्तान बन जाए लेकिन अब दोहरी सफलता इसलिए मिल गई तो इस जफर खां का अलाउद्दीन को अंत भी नहीं करना पड़ा मंगोलों के ही ये मारा गया तो अलाउद्दीन खिलजी की ये दोहरी सफलता है ध्यान रखिएगा इसको इसके बाद में जो चौथा मंगोल आक्रमण होता है वो तारगी के नेतृत्व में होता है 1303 सौ ईस्वी में होता है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं इसको पराजित कर दिया इसको समाप्त कर दिया फिर पांचवा होता है वो तातार खां इसका आक्रमण करता है ये है ये मंगोल नेता 1305 में इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था मलिक नायक और इसने समाप्त कर दिया और फिर अंतिम यहां पे आप लोग देखेंगे तो ता खां ही है और इसमें मकबूल है कई इसमें मंगोल नेता एक साथ ही आक्रमण करते हैं तातार खां भी इसमें रहता है मकबूल भी इसमें रहता है और ये अंतिम आक्रमण है 1305 सौ ईस्वी में ही होता है और इसको भी मलिक नायक समाप्त कर देता है खत्म कर देता है तो मंगोल आक्रमण को तो समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने लेकिन अब यहाँ पे एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिल्जी के समय में हुआ था मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमण हुआ था तो कुल कितने मंगोल आक्रमण हुए कुल छह मंगोल आक्रमण हुए और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुए सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुए तो अब ये जो अलाउद्दीन है अलाउद्दीन इन मंगोलों से निपटने के लिए किस नीति को करता है, किस नीति को स्थापित करता है इसकी नीति क्या है? तो इसकी नीति के बारे में समझ लीजिए बस दो मिनट तो इसकी जो नीति है मंगोलों के परीक्षा में वह रक्त और तलवार की नीति है इसकी नीति है ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मंगोलों के खिलाफ कौन रक्त एवं तलवार की नीति को स्थापित करता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मंगोलों से हमें बात नहीं करना इनके खिलाफ हमें तलवार उठाना है और तलवार उठाने के बाद में इनका रक्त ही बहाना है इसी परिपेक्ष में कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की इनके परिपेक्ष में जो नीति है वो रक्त एवं तलवार की नीति है दूसरी जो नीति है वह बचाव की भी नीति है और सुरक्षा की भी नीति है ये कैसे अपना सुरक्षा करेगा तो इस परिपेक्ष में अलाउद्दीन खिल्दी ने क्या किया कि जैसे ये अलाउद्दीन खिल्दी का भारत है पश्चिमी भारत है ये अलाउद्दीन खिलदी की दिल्ली है और दिल्ली के निकट यहाँ पे अलाउद्दीन खिलदी ने क्या किया एक सीरी नगर बनवाया अलाउद्दीन खिलदी ने एक सीरी नगर बनवाया और इस सीरी नगर को चारों तरफ से दुर्ग से घिरवा दिया चारों तरफ से रक्षा प्राचीरों से घिरवा दिया और दुर्गों की चौहद्दी पर अपनी सेना की नियुक्ति कर दी कमांडो फोर्स की नियुक्ति कर दी जैसे आज भी आप लोग देखते होंगे छत पे कमांडो फोर्स को बिठा दिया जाता है उसी तरीके से चार दीवार इसकी बना दी और यहाँ पे चारों तरफ कमांडो फोर्स को रख दिया और इसी सीरी को अब अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली के निकट ही है इसको अपनी राजधानी भी बना लेता है तो सीरी दुर्ग सीरी नगर सीरी राजधानी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ही बनाता है ध्यान रखिएगा सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करता है सीरी नगर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करता है सीरी राजधानी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ही करता है अब बात यह है कि ये जो पश्चिमी सीमा रेखा है इसकी इस पश्चिमी सीमा रेखा पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरीके से क्या किया दुर्गों की एक संरचना बनवा दी दुर्गों की संरचना का मतलब एक किलों की संरचना बनवा दी बिल्कुल लाइन से किलों की संरचना बनवा दी और इन किलों में घुड़सवार सेना को भी रखा और हस्ती सेना को भी रखा यानी हाथी सेना को भी रखा और अब अगर भारत में उत्तर पश्चिम से कोई भी मंगोल आक्रमण हो रहा है तो ये जो यहाँ पे दुर्गों की सेना है या किलों की सेना ये तुरंत मंगोलों के ऊपर आक्रमण करेगी और आक्रमण करके इसको पराजित कर देगी यानी मंगोलों को पराजित कर देगी ठीक ये बात है. मंगोलों को क्या करेगी मंगोलों को ठीक तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिल्दी मंगोलों से निपटा और मंगोलों के परिपेक्ष में इसकी जो नीति रही वो भी हमने आपको बताया अब अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारतीय अभियान है दक्षिण भारतीय अभियान है। और अलाउद्दीन खिलजी की तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं केंद्रीय व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे हम लोग बाजार व्यवस्था को पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ेंगे सैनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे लेकिन अब अगली क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत का अभियान है तमाम सारे राजपोताना क्षेत्रों में जो आक्रमण किया क्यों किया उसका कारण क्या रहा उसकी राजधानी क्या रही वहां के शासक कौन रहे पद्मावती के समय में राणा रतन सिंह के ऊपर आक्रमण क्यों किया क्या कारण था गुजरात के ऊपर आक्रमण क्यों किया फिर वहां के जो रा, राजा रामचंद्र देव है उनकी पुत्री है झातेपाली उससे विवाह कैसे हुआ अलाउद्दीन खिल्ली का मतलब तमाम सारा एक तरीके से रोमांचक इतिहास भी है यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं फिल्में भी बनी हुई है और दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया और फिर अलाउद्दीन खिल्ली की बाजार व्यवस्था भूमि बंदोबस्त ये सब कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे एक दो बातें आपको बतानी है तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ये आपको पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगा में कहीं भी लेना है तो हमारे रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए आपको दस प्रतिशत मिलेगा एक बात और आपको बता देता हूँ कि आप लोग हमारी क्लास को लाइक भी करते रहिए शेयर भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आज जो हमारी अन्य क्लास आप लोगों के बीच में होगी वो एक आठ बजे से क्लास होगी एट पी से क्लास होगी इसी यूट्यूब चैनल पे होगी और इसमें हम लोग एम के रूप में अध्ययन करेंगे और एम के रूप में हम लोग मॉडर्न इंडिया का अध्ययन करेंगे ध्यान रखिएगा मॉडर्न इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आज बंगाल के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे और इसी में प्लासी जो बैक्टर है वो जो बैटल है वो भी आएगा प्लासी बैटल और जो बक्सर का बैटल है वो भी आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे पहले से बता दे रहे हैं थोड़ा सा पढ़ के आइएगा इसके अलावा हमारी एक क्लास अन के ऐप पर होगी और यह क्लास दस बजे से स्टार्ट होगी टेन पी से स्टार्ट होगी और इसमें एम के रूप में हम लोग मध्यकालीन भारत यानी मेडअल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे भी आप लोग शामिल हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हम लिंक आपको शेयर कर देंगे ठीक तो अपनी ये क्लास में यहीं पे फिर समाप्त करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के पास श्री शहर नगर, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू